वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किराएदारों के लिए, जैसे आप लोगों के यहाँ किराएदार रहते होंगे तो उनके लिए सब मीटर लगाने के लिए सब मीटर कैसे लगाते हैं। तो आपको सब मीटर कैसे लगाना है ये मैं पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। इसके लिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो थोड़ा पेशेंस बना के आपको देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें चाहिए एक बोर्ड, एक मीटर, दो MCB और एक ये MCB लगाने के लिए बॉक्स। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत सिंपल है कैसे बोर्ड बनाते हैं, फिर मैं आपको लगा के भी दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये MCB लेंगे, इसको अपन पहले लगा के इस टाइप से देख लेते हैं। और ये दोस्तों मीटर है जो बाज़ार में आराम से 200-250 रुपये का मिल जाता है। और अगर आप कंपनी का लेंगे, अच्छा मीटर लेंगे, तो वो जितना अच्छा मीटर होगा उतना ही महंगा पड़ेगा। अब ये मीटर मैंने यहाँ लगा दिया है और ये संग में ये MCB लगा दी है। अब यहाँ रख के ये मैंने इसमें छेद कर लिए हैं, तो इस हिसाब से आप भी छेद कर लीजिए। तो ये देखिए, ये हमारे छेद यहाँ पे आ रहे हैं। मैं इनमें ये दो पेच कस देता हूँ। इसके लिए आपको ये दो पेच चाहिएंगे, तो इनको खोल लेते हैं अपन। ये देखिए इस टाइप से इसमें अपन पेच लगा देंगे। इसके पीछे मैं ये नट लगा देता हूँ इसका। इसी ढंग से अपन दूसरा पेच लगा देते हैं। ये देखिए इसको भी मैं कस देता हूँ। अब ये पेचकस की मदद से इसको अपन टाइट कर देते हैं। प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें थोड़ा, जिससे इस टाइप की वीडियो और बनाऊं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप लोगों की थोड़ी से थोड़ी मदद हो जाए। अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और ये वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो मुझे विश्वास है आप कर लेंगे। अब ये दोस्तों यहाँ मैं ऊपर एक पेच लगा रहा हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक ये है। इस ढंग से ये इसमें ये पेच फंस जाता है इस ढंग से, तो इसको अपन और कस देंगे। देखिए इस पेच को मैं थोड़ा और कस देता हूँ। संभल के कीजिए, पेच कस कहीं उछटे नहीं, कहीं आपके लगे नहीं। ये देखिए इस टाइप से अब अपन मीटर भी खोल के देखते हैं अंदर। मैं इसके कनेक्शन भी आपको बताऊंगा कि कनेक्शन कैसे करने हैं आपको, कैसे MCB में आपको कनेक्शन करने हैं। बस इसके लिए थोड़ा वीडियो लंबा होगा, जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये देखिए अब इस टाइप से ये आप देख रहे हैं ना, इसमें ये है, ये इसमें ये पेच ऐसे इस टाइप से फंस जाता है। ये देखिए ये फंस गए। ये अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये दो होल हैं, तो अपन यहाँ पे भी एक होल, इसमें भी एक पेच और लगा देंगे। तो यहाँ पे ये मैंने ये निशान लगा लिया। ये देखिए, तो ये आप पेच, ये एक पेच है, देखिए ये छेद कर लिया है मैंने। इस ढंग से पेच कस जाएगा तो हमारा मीटर टाइट हो जाएगा। चलिए मीटर लगा देता हूँ।
ये देखिए, ये हमारा मीटर लग गया, ये पेच है, इसमें हमारा ये पेच कस जाएगा जिससे मीटर टाइट हो जाएगा प्रॉपर। ये देखिए मीटर हमारा टाइट हो चुका है, हमारा एमसीबी बॉक्स लग चुका है। अब मैं आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ। हाँ तो ये देखिए, मैं अब आपको इसके कनेक्शन बताता हूँ। ये देखिए आप, ये हमारा मीटर है, ये इसकी दो पिन इनकमिंग है और दो पिन इसकी आउट गोइंग है, जो कि हमारे रेंटर के रूम में जाएंगी। ये हमारी डायरेक्ट लाइन वाली पिन है, तो मैं यहाँ पे इन दोनों पिनों पर डायरेक्ट लिख देता हूँ। इसमें एक में फेस आएगा आपका और एक ये न्यूट्रल का रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये यहाँ पे ये हम एमसीबी बॉक्स लगाएंगे, इसमें एमसीबी के ये इस टाइप से ये एमसीबी बना देता हूँ मैं। ये दो एमसीबी रहेंगी बॉक्स के अंदर, इसमें हम एक को तो इस टाइप से डायरेक्ट कनेक्ट कर देंगे और दूसरी एमसीबी हम इसमें ले जाके इस ढंग से इस वाले में ले जाएंगे, और ये दो जो हमारे जो किराएदार के यहाँ के जो तार होंगे ना इनकम, उनमें चला जाएगा इस ढंग से। तो ये मीटर के हो गए, ये दो तार निकले, ये एमसीबी में निकल गए एमसीबी, और ये बॉक्स एमसीबी बॉक्स तैयार हो गया। तो ये बॉक्स तैयार हो गया फ्रेंड्स, ये मीटर तैयार हो गया। अब इसमें ये छेद हो रहे हैं, इसमें दो और यहाँ दो छेद हम और कर लेते हैं, चार हो जाएंगे तो मीटर लग जाएगा। चलिए मैं मीटर, चलिए फ्रेंड्स, तो अब हमें चाहिए होंगे इसके लिए, इसमें जो हमारे दो तार हैं जो हमारे डायरेक्ट मीटर से, जो हमारा खुद का मीटर है वहाँ से दो तार आ रहे होंगे, वो इसमें चले जाएंगे। और चूंकि किराएदार के लिए अपन मीटर लगा रहे हैं, तो इसमें से दो तार निकलेंगे वो एमसीबी में जाएंगे, और एमसीबी के ऊपर से दो तार निकलेंगे तो वो जो किराएदार की लाइन है उनमें दो में चले जाएंगे। तो यहाँ चलिए हम निशान लगा लेते हैं, यहाँ तो दो निशान है ही, चलिए यहाँ मैं दो निशान और लगा लेता हूँ। यहाँ पर दो निशान है ही, तो इनमें से हमारे तार निकल आएंगे, ठीक है। अब मैं दो तार यहाँ जो हमारे किराएदार के जाएंगे उन यहाँ पे भी दो निशान लगा ली। चलिए फ्रेंड्स, अब हमने निशान लगा लिए, अब हम ड्रिल मशीन से इसमें होल कर लेते हैं। देखिए दो होल, ये दो, ये थे दो ऊपर करने हैं, ठीक। इस ढंग से आप ड्रिल मशीन लीजिए, ड्रिल मशीन नहीं है तो पेचकस वगैरह से भी कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारे अब ये दो तार हैं, इनसे हम कनेक्शन करते हैं। ये दो तार हमारे जो मीटर की ये आउट गोइंग है, इसमें से निकल के एमसीबी में जाने, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो देखिए इस ढंग से इस तार को मैं इसमें कर देता हूँ, और इस तार को फिर अपन इसमें डाल देते हैं। मेरे पास ये टुकड़े डले हुए थे तो मैंने यूज कर लिए, आपके पास टुकड़े हों तो आप टुकड़े यूज करें, और ना हो तो आप फिर जो कॉइल होता है उसमें से भी काट सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। इस ढंग से हम तार इसमें डाल देंगे, बड़े होंगे तो काट देंगे, वैसे पर्याप्त होंगे तो रहने देंगे, ठीक है। थोड़े तार बड़े ही रखें, जैसे आप बाद में मीटर बदलेंगे तो थोड़ी दिक्कत होती है, तो थोड़े बड़े ही रखें। इन पेचों को खोल लेता हूँ, थोड़े आप भी इस टाइप से पेच खोल लें, ये देखिए ये खुले। अब इसमें मैं इन तारों को मैंने इस टाइप से डाल दिया। अब आपको यहाँ मीटर में लगाते समय एक बात ध्यान रखनी है, आपको ऊपर वाला कसना है। अब जब पहले आप ऊपर वाला एक पे दो पेच इसीलिए रहते हैं, पहले ऊपर वाला कसिए आप, ये जैसे मैंने ऊपर वाला कस दिया, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये तार निकल नहीं रहा, इसका मतलब ये कि ये ऊपर वाला अच्छे से कस गया। अब ये नीचे वाला जो पेच है, ये एक्स्ट्रा पेच है, इसको भी हम ऐसा
टाइट कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है, पहले आप ऊपर वाला कस के देख लीजिए, प्रॉपर कस जाए तभी आप नीचे वाला फिर कसिए। इसी ढंग से अपन इस वाले इसमें भी ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने ये तार पूरी तरह अंदर कर दिया। अब हम इसके ऊपर वाला पेच कसेंगे। देखिए, अब ये मैंने ऊपर वाला अच्छे से कस दिया। अब मैं तार को देखूंगा हिला करके, कहीं वो निकल तो नहीं रहा। नहीं निकल रहा है तो मैं नीचे वाला भी कस दूंगा। इसका मतलब हमने जो ऊपर हमारा तार है वो अच्छे से लगा हुआ है। तो लीजिए, ये मैंने कस दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस ढंग से आप इसके तार निकाल लीजिए पूरे, और एक्स्ट्रा तार आप बोर्ड में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जैसे कभी बाद में आपका बोर्ड मीटर खराब होता है तो तार इतने बड़े होने चाहिए कि हम उन्हें आसानी से खींच के बाहर निकाल सकें। तार छोटे होते हैं तो फिर वो बहुत दिक्कत देते हैं, इसलिए आप थोड़े तार बड़े ही रखें। देख लीजिए, एक्स्ट्रा तार है, मैं इसमें मीटर के अंदर ही छोड़ दूंगा, काफ़ी मीटर में जगह। तो अब मैं इसमें से पूरे तार निकाल लूँगा शुरू में, क्योंकि MC भी लगानी है हमको, इसलिए। अब इस ढंग से अब हमने इस टाइप से बॉक्स में ले लेंगे हम ये तारों को, ठीक है। ये देखिए, ये तार हमारे बॉक्स में आ गए। अब इस तार को मैं थोड़ा ठीक कर लेता हूँ, क्योंकि ये हमें MCB में लगाने हैं। ये देखिए, स्टक, इस तार को थोड़ा छीलना पड़ेगा। ठीक है, स्टक से हम इसको छील देंगे। अभी हमारा तार छिल गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तार थोड़े मैंने बड़े इसीलिए रखे हैं कि वहाँ भी हमको जब हम MCB निकाल के कनेक्शन करेंगे तो हमें दिक्कत आ सकती है, इसलिए थोड़े बड़े तार। आप इससे भी थोड़े बड़े रख सकते हैं तार, देखिए जितने बड़े हो जाए उतने अच्छी बात है। अब ये देखिए, MCB है हमारी, इनको हम खोल लेते हैं। ये ऊपर वाला भी खोल लेते हैं। देखिए, आपको दो पत्ती दिखाई दे रही होंगी, इनके बीच में हमको अपने तारों को फंसाना है। ये देखिए, इसी ढंग से मैं इस वाली MCB के भी खोल देता हूँ। ये देखिए, ऊपर वाली पत्ती उठे और ये देखिए, ये वाली इसके बीच में, दोनों के बीच में तार रख के कसे जाएंगे हमारे, ठीक है। तो हमको ये हमारी इनकम है, ये नीचे वाले इसमें आना है, तो इस ढंग से हम इसमें ये तार रख देंगे। तार रखने के बाद हम इसको कस देंगे। ये देखिए, अच्छे से मैंने कस दिया, ये टाइट हो गया। इसी ढंग से आप इन पत्तियों के बीच में इस वाले को रखिए। ये देखिए, ये अच्छे से टाइट कीजिएगा, नहीं तो MCB गल जाएगी, क्योंकि जैसा लोड खींचेगा तो फिर वो देखिए कितने अच्छे से हो गया, ठीक है। अब ये मैंने ये दो तार निकाल लिए, ये लीजिए। इस ढंग से हमारी ये MCB आ गई है, ये भी आ गई है, देखिए, ठीक है। और ये लॉक देखिए, अब ये लॉक नहीं हो रही, इसमें लॉक रहता है, तो आप इसके ऊपर जो लॉक रहते हैं इनको आपको किसी पेचकस वगैरह की मदद से इस ढंग से, देखिए ये अंदर लॉक है ना, ये इस ढंग से आपको दबाना पड़ेगा तब ये टाइट होगी। देखिए, ये मैंने इसको भी कर दिया, देखिए, ठीक है, ऊपर से हमारा बॉक्स लग जाएगा।
ये बॉक्स हम तब लगाएंगे जब हम ऊपर के अपने किराएदार के यहाँ मीटर जब सेट करने जाएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करने हैं। तो अब आप समझ गए होंगे, जो हमारे ये वाले जो मेन तार हैं जो दो आएंगे वो यहाँ पे आएंगे, और किराएदार को जो हम आउट गोइंग देंगे वो यहाँ से देंगे, और हमारा मीटर चालू हो जाएगा। MCB हमने सुरक्षा के लिए लगाई है, बाई दी वे किराएदार के यहाँ पे कोई फॉल्ट होता है तो लाइट अपने आप बंद हो जाएगी, उससे हमारा मीटर ख़राब नहीं होगा, नहीं तो कई बार मीटर भी ख़राब हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ये जो वाइट तार हैं ये हमारे सप्लाई के तार हैं, और ये जो रेड वाले तार हैं ये इन जो हमारे किराएदार के यहाँ जो लाइन है उसमें जाएंगे। ठीक है, तो हम इन जो डायरेक्ट वाले तारों को इसमें लेंगे, और जो किराएदार वाले जो तार हैं वो इनमें जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं इसमें ये डायरेक्ट मीटर में डायरेक्ट तार लेंगे हम, जो हमारे तार आए हैं इस ढंग से, ये देखिए, ध्यान रखिएगा ये तार आपस में मिले नहीं। अब मैं इनको खोल लेता हूँ, थोड़ा पेचों को आप पहले ही खोल के रखें, बाद में भी खोल सकते हैं। थोड़ा जूते वगैरह पहन के काम करें, जैसे मैं प्रॉपर इंसुलेशन पर खड़ा हूँ आप भी इंसुलेशन पर खड़े हों। ये देखिए, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, पहले हम ऊपर वाला पेच कसेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से कस दिया है, अब देखेंगे ये निकल तो नहीं रहा, देखिए नहीं निकल रहा, इसका मतलब हम नीचे का भी कस सकते हैं। ये इस ढंग से इसको हम अंदर कर देंगे, इसी टाइप से दोस्तों हम इसके भी पेज पूरे खोलेंगे, अभी थोड़े खुले नहीं है पूरे। ये इस ढंग से हम इसको अंदर कर देंगे, आप लोग थोड़ी सावधानी से करें, हम लोगों को तो थोड़ा अनुभव रहता है इसलिए। इसी ढंग से ऊपर वाला पेज कसेंगे प्रॉपर, हमारी मीटर की सप्लाई पूरी हो गई है। अब जो किराएदार के यहाँ हमारे तार हैं, हम उनको जो हमने दो बोल किए थे इनमें से इस टाइप से डालेंगे। ठीक है, अब पहले हम बोल को कस लेते हैं अपने को, और बाद में हम MCB के भी कनेक्शन करते हैं। हाँ देखिए, तो इस ढंग से हम इसके पेच कस देंगे, तो पेचों को हम कस देते हैं, पेच कस दी। अब हम इनमें से ये हमारे खाली ये दो कनेक्शन रह गए, इसमें से हम तार ये निकाल लेते हैं अपने। ये देखिए, अभी हमने जो अपनी MCB लॉक कर दी थी इनको निकालना पड़ेगा हमको, तो उसके लिए आपको यहाँ से लॉक खोलना पड़ेगी आप। तो देखिए इस ढंग से ये हम लॉक खोल दिए, देखिए लॉक उठ गए, MCB बाहर निकल आई, पहले मैंने आपको दिखाने के लिए लगाए थे इस ढंग से। ये देखिए, अब फ्रेंड से हम ऊपर वाले तार ये हमने इसमें ऐसे पट्टी में फंसा दिए, दोनों पट्टियों के बीच में, इसको मैं अब कस दे रहा हूँ।
इसी ढंग से हम अपना ये दूसरा तार भी इसमें ऐसे ही लगा देंगे। ये देखिए अब इसको हम कस देंगे। ये मैंने प्रॉपर कस दिया। अब इस ढंग से आप इनको अंदर कर लीजिए, आपको उठा लीजिए ऊपर और ये हमारे MCB लग गई है। ऊपर से हम लॉक लगा देंगे। ये देखिए इस ढंग से लगा लीजिए। अब हम इसके ऊपर का ढक्कन लगा देते हैं। देखिए अब इससे हम पेज कस की मदद से इसको कस देंगे। ये ऊपर मीटर का जो सेफ्टी है इसको भी हम कस देंगे। इसको इस ढंग से कस देना कर देखिए। ये मीटर का हमने ये कस दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने दोनों अपनी MCB चालू कर, ये देखिए उधर लाइट आ गई है और मीटर भी आपको थोड़ी देर में ब्लिंक करता दिखाई देगा। चालू कर देखिए फ्रेंड्स, अभी हमारा मीटर चालू हो गया है। ये ब्लिंक करने लगा है, ये रेड रेड जो आप देख रहे हैं, मैंने रॉड लगा के आपको चेक करके दिखाया, ये लाइट आ गई। और जब आप इस ढंग से ये MCB बंद करेंगे तो देखिए ये बंद हो जाएगा, लेकिन जैसे ही हम इसको चालू करेंगे तो आप ये इस ढंग से आपका ये मीटर लग चुका है। आप भी अपने किराएदारों के यहाँ इस ढंग से